सो गाइस, अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो YouTube एक सिस्टम है, एक प्रोग्राम है, यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पर कोई बंदा नहीं बैठा है, वो आपकी वीडियो चेक करेगा कि अगर आपकी वीडियो अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तब आपकी वीडियो को वायरल कराया जाएगा, तब आपकी वीडियो को बूस्ट कराया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिक होता है। YouTube के एल्गोरिथम को इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है, वो आपकी वीडियो में कुछ पॉइंट देखता है, कुछ एक्टिविटी देखता है, कुछ फैक्टर देखता है, जिसकी वजह से आपकी वीडियो को वो बूस्ट कराता है, जिसकी वजह से आपकी वीडियो वायरल होती है। तो वही चीज़ आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कुछ ऐसे आपको फैक्टर बताने वाला हूं जिसके वजह से आपकी वीडियो वायरल होगी, जिसको YouTube चेक करता है आपकी वीडियो में अगर वो फैक्टर होते हैं, वो पॉइंट होते हैं, तभी आपकी वीडियो यहां पर वायरल होती है। ये चीज समझने के लिए आपको काफी ज्यादा YouTube पर टाइम देना पड़ेगा, आपकी दो चार वीडियो वायरल होंगी तब आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ, YouTube इस तरीके से हमारी वीडियो को रैंक कराता है, हमारी वीडियो को वायरल करता है। ये चीज आपके तब समझ में आएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको मैं एक फैक्टर बताने वाला हूं, वैसे 4 से 5 फैक्टर ऐसे हैं जिन पे YouTube का एल्गोरिथम काम करता है, लेकिन अगर मैं एक वीडियो में सब कुछ आपको समझाऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, एंड एक फैक्टर को अप्लाई करने के लिए अपनी वीडियो पे उसके लिए भी आपको काफी ज्यादा सीखना पड़ेगा एंड टाइम देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यार टाइम लग सकता है इस चीज को सीखने के लिए। अगर आप सीख जाते हो तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ पता चल जाएगा, आपकी व्यूज की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं पहले फैक्टर की, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट क्लिक। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूं। गाइस, आपने देखा होगा आपकी जो वीडियो का इंप्रेशन है वो बहुत ज्यादा पहुंच जाता है एंड आपके जो व्यूज है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं आपके इंप्रेशन 1000 है एंड वहां पर आपके व्यूज 50 या 60 व्यूज होंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, आप ये मत समझिए कि आपका इंप्रेशन अगर 1000 है तो भाई वो 1000 लोगों ने देखी, यानी कि 1000 लोगों के पास आपका इंप्रेशन गया, आपकी वीडियो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरा बेल आइकन भी दबाया है, ठीक है, तो अगर मैं अपनी वीडियो एक अपलोड करता हूँ, अगर आप नोटिफिकेशन से देख लेते हो उस वीडियो को, तो आपके सामने मेरी वीडियो का इंप्रेशन नहीं आएगा। अगर आप नोटिफिकेशन से मेरी वीडियो नहीं देखते हो तो यूट्यूब मेरी वीडियो को आपके सामने पहुँचाएगा, यानी कि उसका इंप्रेशन आपके सामने देगा। ये यहां पर 10 से 15 बार या 20 बार होती है जब तक आप उस वीडियो पे क्लिक नहीं कर देते हो, वो ऑटोमेटिक आपके सामने पहुंचाएगा, ब्राउज फ्यूचर में पहुंचाएगा, यूट्यूब सजेस्ट फ्यूचर में पहुंचाएगा, जब तक आप उस पर क्लिक नहीं कर देते हो। अगर आप उस पर क्लिक नहीं करते हो या 10 से 12 बार या 15 बार जाने के बाद आप उस पर क्लिक कर देते हो, तो यूट्यूब को समझ में आ जाता है कि भाई मजबूरी में क्लिक किया गया है। एंड ऐसा इस वीडियो में कुछ नहीं है जो इस पर एकदम क्लिक किया गया हो, यानी कि उस वीडियो में दम नहीं होता, यूट्यूब को समझ आता है, यूट्यूब के एल्गोरिथम को इस तरीके से ही प्रोग्राम किया जाता है कि भाई बंदे को वही चीज दिखाओ जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, यानी कि जिसको वो देखना पसंद करे। अब आपका इंप्रेशन बहुत बार पहुंच गया और आपने क्लिक नहीं किया, और क्लिक किया मजबूरी में, यानी कि बहुत ज्यादा इंप्रेशन जाने के बाद उस पर क्लिक कर दिया एंड उस वीडियो को वॉच नहीं किया, तो वहां पर आपकी वीडियो की जो रीच होगी वो रुक जाएगी, रैंकिंग रुक जाएगी, यानी कि आपकी वीडियो को आगे यूट्यूब नहीं पहुंचाएगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट क्लिक की। अब जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया, अगर आपने नोटिफिकेशन से देख लिया तो ठीक है, अगर आप वहां से नहीं देख पाए और एक बार आप मेरी वीडियो आपके होम पेज में चलेगी, ब्राउज फ्यूचर में चली गई, एक इंप्रेशन में आपने उस पर क्लिक कर दिया, तो यहां पर हो जाता है फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट क्लिक। तो ये चीज आपके समझने वाली है। अब YouTube को क्या लगता है कि भाई पहले इंप्रेशन में इसमें क्लिक हो गया है और ये वीडियो में यानी कि दम है, इस वीडियो को आगे पहुंचाना चाहिए, आपने क्लिक करके मेरी वीडियो को वॉच कर लिया, तो वहां पर YouTube के एल्गोरिथम में यानी कि ये चीज, ये एक्टिविटी देखी जाती है कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन में फर्स्ट क्लिक हो गया, यहां पर आपका CTR अच्छा हो गया, यहां पर लोग इस वीडियो को पकड़ रहे हैं, यानी कि इस वीडियो में कुछ अच्छा है, इस तरीके से वो वीडियो आगे YouTube पहुंचाता है। यानी कि आपने अगर एक इंप्रेशन में क्लिक किया तो वो यानी कि 10 से 50 लोगों को इंप्रेशन पहुंचाएगा, ताकि उस पर और भी क्लिक आए और भी लोग उस वीडियो को देखना चाहें। तो इस तरीके से ये यानी कि फैक्टर काम करता है। अब यहाँ पर सीखने वाली ये बात है एंड आपको किस तरीके से अपने वीडियो पे ये चीज अप्लाई करना पड़ेगी, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। आप में से मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो एक सिंपल सा थंबनेल बनाते हैं, यानी कि उस थंबनेल में ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कैची थंबनेल नहीं होता जिसको लोग नोट करें, जिसको यानी कि उस पर क्लिक करें, यानी कि सिंपल सा एक थंबनेल बना लेते हैं एंड यूट्यूब पर अगर आपको व्यूज चाहिए तो आपको क्लिक बेट यहाँ पर करना पड़ेगा। थंबनेल में कुछ ऐसा करना पड़ेगा, एट्रैक्टिव से काम नहीं चलेगा और जो रियलिटी है उससे भी काम नहीं चलेगा एंड जो सिंपल सिंपल लिख देते हो उससे भी काम नहीं चलेगा। थंबनेल में आपको कंफ्यूज करना आना चाहिए कि थंबनेल में कुछ इस टाइप से यानी कि थंबनेल बना हुआ होना चाहिए, ताकि बंदा जाने कि भाई इस वीडियो के अंदर क्या होगा, यानी कि उसके दिमाग में एक चीज़ घूम जाए, एक कंफ्यूज हो जाए वो कि भाई इस वीडियो के अंदर आखिर ऐसा होगा क्या, और उस वीडियो को मजबूर हो जाए क्लिक करने में। आपने बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे देखे होंगे, आप अपने को ले लीजिए, आप जिस वीडियो पर क्लिक करते हो तो आप देखिए कि मैंने इस वीडियो को
किस वजह से क्लिक किया, यानी कि इस थंबनेल में क्या था जिसकी वजह से मैंने इसको क्लिक किया। वही चीज़ आप अपने थंबनेल पे अप्लाई कर लो, सिंपल सी बात है यार, कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको एल्गोरिथम यहाँ पर समझा दिया है किस तरीके से यूट्यूब यहाँ पर काम करता है फर्स्ट क्लिक एंड फर्स्ट इंप्रेशन पर। अगर आपकी ये चीज़ अच्छी हो जाती है तो आपका CTR बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, और CTR यहाँ पर हाई जाएगा तो समझ लेना आपकी बल्ले बल्ले होगी, आपकी वीडियो यहाँ पर चल जाएगी। CTR मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग में। अगर आपने वीडियो बूस्ट करा ली तो आगे तक आपकी वीडियो बूस्ट होगी और वो वायरल भी हो सकती है। तो बस गाइस, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि कुछ नए यूट्यूबर होते हैं, उनको क्लिकबेट, उनको थंबनेल के बारे में नॉलेज अच्छी खासी नहीं होती है, किस तरीके से उनको थंबनेल बनाना है, किस तरीके से यानी कि ऑडियंस को पकड़ना है एंड किस तरीके से क्लिकबेट करना ताकि उस पर अच्छा खासा क्लिक आ पाए, तो वो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। वो यूट्यूब पर ही आपको सब कुछ मिलेगा, आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना दिमाग यहां पर यूज कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी मेहनत है एंड बाकी की जो वीडियो है मैं जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा, लेकिन ये थोड़ी से यानी कि आगे की जो वीडियो आने वाली है वो थोड़ी सी यानी कि हार्ड है, यानी कि उनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तभी आप अपनी वीडियो पर अप्लाई कर पाओगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसके लिए। तो वीडियो को यार लाइक कर देना, नीचे एक कमेंट करना अच्छा सा, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तब भी आप नीचे मेरे को लिख सकते हो कि भाई ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।